राजा साहब, राज गया मगर रिवायतें अब भी कायम है। आपकी ये शानो शौकत देखकर लगता है कि जमाना अब भी नहीं बदला। जमाना हम बदलने भी नहीं देंगे केदारनाथ। हमारी पुश्तों से चली आई आन बान और शान को हम इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे। खैर, मनोरमा को हमने बड़े नाजों से पाला है, वो अपने गुजरे हुए माँ बाप बिल्कुल भूली गई है। उसके माँ बाप अब हम ही हैं। हमारी एक ही तो भतीजी है, यूं समझ लीजिए कि हम अपने दिल का टुकड़ा आपके घर में दे रहे हैं। रमा और रूपेश की कुंडली तो मिल ही जाएगी। खैर, रमा अपनी पढ़ाई खत्म करके हिंदुस्तान आ जाए तो हम एक तरह से ये रिश्ता पक्का ही समझे। पक्का? अरे पक्का क्या समझो, मोहरी लग गई। नमस्ते। आओ लाला आओ। आए लगे राजा भाई, इनसे मिली हमारे धूम सरकार धूम। जब तक ये हमारे दर्शन नहीं कर लेते इनके गले से खाना नहीं उतरता। राजकुमार जी, हमारी बिटिया बड़ी सरल, बड़ी भोली, बिल्कुल गाय है गाय, मुंह में जबान तक नहीं है, बिल्कुल गूंगी है गूंगी। लाला माफ करना सरकार, जुबान स्लिप हो गई। अच्छा तो राजा साहब हमें इजाजत दीजिए, शाम भी ढल चुकी है और हमें बहुत दूर भी जाना है। अच्छा केदारनाथ, इन्हें गाड़ी तक छोड़ा। आइए। नमस्ते। छोटे राजा। दुर्गा। हाँ छोटे राजा, आपने बुलाया नहीं इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं और तुम्हें बुलाऊं? भूल गए, कहा तो यही था ना। मैंने कहा और तुमने यकीन कर लिया। तो फिर भगवान के आगे वो फेरे क्या वो दिखावा था, छल था? दुर्गा, जितनी तरह की लड़कियां होती हैं ना उतने ही तरह के जाल बिछाने पड़ते हैं। कोई पैसों से खुश हो जाती है, कोई तोहफा से, पर तुम उन सब से अलग थे, इसीलिए तुम्हारे साथ शादी का ढोंग करना पड़ा। देखो दुर्गा, रात गई बात गई। वो रात नहीं गई छोटे राजा, वो रात मेरी कोख में तुम्हारा वंश बनकर पल रही है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरा बच्चा? क्या सबूत है तेरे पास? भगवान जानता है कि ये किस पत्थर के भगवान की बात कर रही है तू, उसकी जिसे खुद मंदिर छोड़कर दर्शन देने के लिए रोज हमारी चौखट पर आना पड़ता है। मेरा विश्वास करो, मेरे पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। बच्चा मेरा है ये मैं कैसे यकीन कर लूं? कौन जाने मुझसे पहले उस हरामजादे के माथे पर और कितने पापों की मोहर लग चुकी है। रणबीर, क्या बात है? राजा साहब, ये औरत कहीं से अपना मुंह काला करके आई है और अपना कलंक छोटे राजा बाबू पर थोपना चाहती है, चिल्लाती है, कहती है कि लाला तुम अंदर जाओ। बड़े राजा, बड़े राजा, ये कलंक नहीं है, आप ही के खानदान का खून है जो बेगुनाह अभी तक पैदा भी नहीं हुआ उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आप इंसाफ कीजिए बड़े राजा, आप इंसाफ कीजिए। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। तूने कहा था ना ये मेरे भाई का पाप है, ले अब ये भी धुल गया। ज़ालिमों, बहुत सताया है,
जुल्म किया है मुझ पर। तुम शायद ये भूल गए, जब गरीब की छाती फटती है तो उसमें से दर्द निकलता है, तो उसकी आह ऊपर वाले तक पहुंचती है और वो कहर बनकर तुम्हारी खोखली शान को चूर चूर कर देता है। मेरी एक एक बद्दुआ ऊपर वाले की लाठी बनकर तुम पर बरसेगी। जिस तरह यह अभागन आज तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रही है अपनी इज्जत के लिए, एक दिन तुम भी किसी गरीब के आगे गिड़गिड़ाओगे अपनी जिंदगी के लिए, मगर तुम्हें भीख नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तुमने मेरे खून से अपना फर्श धोया है रणवीर सिंह, मैं तुम्हारे खून से अपने बाल धोऊंगी और इन्हें तब तक नहीं बांधूंगी जब तक मेरा कहा सच नहीं हो जाता। एक दिन एक झोपड़ी का चिराग तुम्हारे इस महल को आग लगा देगा और उस आग में तुम्हारा अहंकार जलकर राख हो जाएगा ब्रजराज सिंह। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। मुझे तो लगता है तू मेरा बेटा ही नहीं है। मुझे भी लगता है आप मेरे बाप ही नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल तेरा बाप नहीं हूँ। अरे जो आदमी राजा साहब की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है, जो राजा साहब की हुकूमत को ललकारता है, उस हरामजादे की बेटी से अगर मेरी औलाद रिश्ता जोड़ना चाहती है तो मुझे वो औलाद ही स्वीकार नहीं है। मैंने भी अपनी स्वर्गवासी माँ को वचन दिया था, आपकी रजामंदी के बगैर शादी नहीं करूँगा, नहीं तो मैं आपकी मनमानी स्वीकार नहीं करता। राजा साहब की चमचागिरी करते करते अपने बापू को चमचा बोलता है। चमचे को चमचा नहीं बोलूं तो क्या कड़की बोलूं? क्यों बोलूं? हाँ, क्योंकि राजा ने लाला को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चुप, मजाक उड़ाता है मेरी। अबे रुपये, क्यों लड़ता रहता है अपने बापू से? वो भी राजा साहब की चमचागिरी से बाज नहीं आते। कितनी बार समझाए, सच्चाई का साथ दो, अमेरिका नहीं। अजय बेटे, चलो नाश्ता कर लो। आया माँ। लकी मैन, पानी नहीं आ रहा। थैंक यू। सुनो ना माँ। राम, ये क्या बचपना है। माँ, इसे जल्दी से घर से निकाल दो, जितनी जल्दी हो सके इसके हाथ पीले कर दो बस। चल नाश्ता कर। माँ, भैया सुबह से शाम मुझे मेरे हाथ पीले करने की बात करते रहते हैं, मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। माँ, तो इसकी बातों में मत आना,
जितनी जल्दी हो सके, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, गधा हो या घोड़ा, कुछ भी हो, इसकी शादी कर दो बस। ओए होए, मेरे लिए लंगड़ा और लूला, और तुम्हारे लिए कोई राजकुमारी आएगी? हाँ, मेरे लिए राजकुमारी आएगी। क्यों नहीं, मेरे लिए राजकुमारी ही आएगी। ये सब क्या है चाचू? रमा, ये सब तुम्हारा स्वागत करने, तुम्हें देखने के लिए आए हैं। देखने? क्या मैं तुम सबको कोई नुमाइश की चीज नजर आती हूँ? मुझे नहीं चाहिए कोई स्वागत वागत। जाइए और अपना काम कीजिए। आउट। लेकिन बेटी, आउट। इस तरह का स्वागत हमारी परंपरा है, हमारे रीत रिवाज के मुताबिक है। ओ चाचू, रीत और रिवाज? हाँ। ताऊ जी कहाँ है? ताऊ जी अंदर है। ताऊ जी। रमा रमा, कैसी है हमारी बेटी? है? बहुत नाराज है हम आपसे। क्यों? ये आपने हमें किस जंगल में बुलवा लिया है? कितनी बोरिंग जगह है। अरे, अब की बार तो हम बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे आपको। जानती हो क्यों? क्योंकि अब की बार हमने आपकी सगाई करने का फैसला कर लिया है। सगाई? किससे? कोई इंडियन लंगूर से? हमें इतनी जल्दी शादी वादी नहीं करनी। तो हम कब कह रहे हैं कि शादी आज ही कर लो? हा? अरे अभी अभी आई हो, घूमो फिरो, रिलैक्स रमा, एंजॉय योर सेल्फ। लड़के, रमा को उनका कमरा दिखाओ। ठीक है। हाय साहब, ये लड़की है या कोई जलजला? जलजला तो होगी, आखिर खून किसका है? मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हो? तुम्हारी खूबसूरती। How dare you? उतारो मुझे। अरे, बड़ी नाशुक्र हो तुम। एक तो मैंने तुम्हें डूबने से बचाया, ऊपर से चिल्ला रही हो, डूब जाती तुम। डूब जाती तो डूब जाती, तुम कौन होते हो बोलने वाले? नीचे उतारो मुझे, मैंने कहा नीचे उतारो मुझे। जानते नहीं मैं कौन हूँ? सपनों की राजकुमारी। सपनों की राजकुमारी नहीं, हकीकत की। तुम जो भी हो, खुदा की कसम लाजवाब हो। दिल लगी करने को दिल तो बात कर रहा है, पर जरा जल्दी मैं हूं, फिर मिलेंगे। दीदी, दीदी, कौन है ये जानवर? जानवर? जानवर नहीं, आदमी है आदमी, और नाम है अजय। गाँव की सारी लड़कियां मरती हैं इस पर यह है कि मुड़कर देखता तक नहीं। पिछले साल बैल उत्सव में यही जीता था और इस साल भी यही जीतेगा। किशनगढ़ के वासियों, ठाकुर परिवार के सौजन्य से हर वर्ष की तरह
आज भी हम इस महोत्सव को प्रारंभ करते हैं। राजा साहब ने क्या सांड पाल के रखा है? अच्छे अच्छे सही बात कही बापू आपने। राजा साहब ने क्या सांड पाल के रखा है ये वो चुप। जो अपनी जान की बाजी लगाएगा, कोई ऐसा नौजवान जो अपनी ताकत आजमाना चाहेगा, बोलिए कोई है? आइए आइए आगे बढ़िए, क्या कोई है ऐसा नौजवान? कोई ऐसा ताऊ जी, मैं अभी आई। जानवर को काबू कर सकेगा, बोलिए कोई है? लगता है कोई नहीं। कोई नहीं? क्या ऐसा कोई नहीं जो इस जानवर को काबू कर सके? लगता है शहर में कोई असली मर्द ही नहीं। मर्दों की मर्दानगी को ललकारा नहीं करते। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। उम्र भर नहीं। मर्दानगी दिखाना चाहते हो तो पहले जीत कर तो दिखाओ, जो मांगोगे मिलेगा। अच्छा, क्या दे सकती हो? 50,000। ये इनाम तो कुछ भी नहीं जिस पर मेरी नजर है। क्या हुआ? देख मेरा दोस्त जा रहा है। बेवकूफ लड़का, ये भी गया। बापू, लगी शर्त। कैसी शर्त? अगर अजय जीत गया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे मुंह को कालक लगाऊंगा, और अगर सांड जीत गया तो अपने हाथों से लगा लेना। ये सांड तो तेरे दोस्त को चने चबवाएगा। चने? चने तो सांड चबा रहा है। अपने बाप को सांड बोलता है। Hi.
अबे गधे, तू अपने बाप के मुंह पे कालक लगाता है, तू मेरा बेटा है। Oh,
आशिक बना दो ऐसी तुम्हारी अदा। ओ पागल हुआ मैं जाली बफा, घायल हुआ मैं पहली दफा, आपकी पायल आपका काजल रहा हूँ आसमां में। भैया उठो ना, उठो। क्या कोई गहरा ख्वाब देख रहे थे? कितनी देर हो चुकी है, काम पे नहीं जाना क्या? उठो। अरे माँ। माँ। हाँ? जीते रहो बेटे, जीते रहो। संभल कर अजय बेटे, कहीं दूध छलक न जाए। दीदी बस एक मिनट, मैं गई और आई। हाँ साहब, मेरे दूध के डब्बे क्यों गिराए? मेरा स्कार्फ अपने गाड़ी पर क्यों लगाया? नाक पोंछने के लिए। How dare you? जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं तो जानता हूँ कि आप कौन हैं मेम साहब, लेकिन शायद आप नहीं जानती कि आप कौन हैं। मुझे याद दिलाना होगा। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम्हारे ससुराल। मुझे याद दिलाए हो। तुमने नुकसान किया है, तुम्हें भरना होगा। नहीं भरूंगी। नुकसान करना आता है, भरना नहीं। नहीं। कैसे नहीं भरोगी? चलो छोड़ो मेरे हाथ। मैं देख लूंगी।
तुमने नुकसान किया तुम्हें भरना होगा। नुकसान करना आता भरना नहीं। कैसे नहीं भरोगी? चलो दीदी, ये आप क्या कर रहे हो? मत पूछ, कहीं दूध तो नहीं धो रही हो? वही तो कर रही हूँ। तो क्या उसने तुम्हें दूध धोना भी सिखा दिया? वो मुझे क्या सिखाएगा? वक्त आने दो, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद रखेगा। तुम उसे क्या सिखाओगी? उसने तो तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। लाला जी, ओ लाला जी, भाई। लाला जी क्या है? अरे लाला जी, कुछ लोग गांव से आए हैं। किस लिए आए? अरे लाला जी, चंदा मांगने। चंदा मांगने आए? बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ। मगर लाला जी, मैंने बोल दिया उनको आप घर पे हैं। अरे लाला जी, आप क्या कर रहे हैं? लाला जी, आत्महत्या। आत्महत्या? अरे अरे क्या कहूँ गांव के नौजवानों, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, सट्टे में मेरा सब कुछ चला गया। लेकिन तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? चंदा, कल जन्माष्टमी है ना। चंदा? गरीब से चंदा? गरीब से चंदा? देता हूँ, चंदा देता हूँ। आज तक लोगों ने कन्यादान किया है, मैं पुत्रदान करूँगा। वैसे भी मेरा ये बेटा मेरे कुछ काम का नहीं है, ले जाओ इसे चंदे के तौर पर, जाओ। अरे 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 लाला जी, अरे अरे लाला जी, हमें चंदा उंदा नहीं चाहिए। काय को अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, चंदा विंदा कुछ नहीं मिलने वाला। जाओ 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 जाओ, चंदा मांगने आए। कहाँ चंदा मांगने आए? एक भिखारी के बाद चंदा मांगने आए। चंदा मांगने आते हैं लाला जी से। पैसा नहीं है क्या? अभी मजा चखाता हूँ। क्या रेट हेरना? 40, 41. डाकू आ गए। धोती के अंदर क्या है? धोती के अंदर? धोती में कुछ नहीं बेटे, धोती में कुछ नहीं डाकू। खोले तो झूठ बापू, खोल दे धोती, खोल दे। इतना बस, इतना बस। तुम? थैंक यू। भागो, भागो। तूने लाला की लंका में आग लगाई है ना? अगर मैंने भी तेरे संसार में आग नहीं लगाई तो मेरा नाम भी लाला नहीं। पुजारी जी, पुजारी जी, मंदिर के दरवाजे खोल दीजिए ना। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय बीता जा रहा है। ये क्या कह रही हो बेटी? द्वार तो हर साल की तरह आज भी राजा साहब ही अपने हाथों से खोलेंगे। अरे वाह, राजा साहब नहीं आएंगे तो क्या भगवान का जन्म नहीं होगा? भगवान का जन्म भी किसी के लिए रुक सकता है भला? हमारे लिए रुक सकता है। कौन है तू? और हमारे मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखने की तूने जुर्रत कैसे की? मंदिर तो भगवान का होता है। मंदिर चाहे भगवान का हो, बना हमारे पैसों से है। इतना ही शौक था मंदिर बनवाने का तो उसे अपने महल में बनवा लिया होता। मंदिर तो सबका होता है और इसकी सीढ़ियां हर कोई चढ़ सकता है, चाहे वो धनवान हो या निर्धन। बहुत शौक है तुझे मुंह लगने का। तो लगा मुंह। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। अरे चल।
अजय बेटे रुक जा, रुक जा, मैं कहती हूँ छोड़ दे। क्या कर रहा है? माँ उसने मेरी बहन को छुआ कैसे? रणवीर रुक जाओ। रणवीर बेटा, मंदिर के सिरों पर खून नहीं बहाते। शेर कुत्तों से नहीं लड़ते। मेरी बात मान ले, तुझे मेरी कसम। चल 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 यहाँ से। चलो चलो। अजय बेटी, नाराज है अपनी माँ से? वैसे एक बात कहूँ, मुझे जिंदगी का तजुर्बा तुझसे ज्यादा है। जिन लोगों से तू टकरा रहा था, उनसे दूर रहना ही बेहतर होगा। वैसे भी कहते हैं ना, आग से नहीं खेलना चाहिए। अजय, अजय, ये तूने क्या किया बेटे? माँ, मुझे आग से खेलना आता है और उससे बुझाना भी। की राजकुमारी, तुझे हकीकत समझाने आई हूँ। देखा, तेरी हकीकत मेरे कदमों में है। वैसे ये जाल काफी खूबसूरत है। निकल नहीं पाओगे। कमबख्त, निकलना भी कौन चाहता है? फितूर है तुम्हारे दिमाग का। आखिर तुम कहाँ और मैं कहाँ? मैं आसमान की ऊंचाई में बसने वाली वो शहजादी हूँ और तुम जमीन पर रेगने वाले एक मामूली कीड़े। इस फासले को तुम कभी मिटा नहीं पाओगे। 4 इंच ऊंची एडी के जूते पहनकर कोई आसमान नहीं हो जाता मेम साहब। जब गिरोगी, ये जमीन ही संभालेगी। तब की तब देखी जाएगी। आज तो तुम मेरे रहमो करम पर हो। सुनो, मेरी कैद मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मर्जी है। क्या मतलब? अभी पता चल जाएगा। सत्या पाजी। सत्याकाल। की गल बादशाह? बस कोई गंदा जहा नाला देखकर कूड़े नूं उहदे विच सिट दिओ। चंगा जी, चल पुत्तर, चल पुत्तर। पतली कमर
लटक जाएगी पतली कमर, अरे झम्मक छल्लो झम्मक छल्लो। मैं पुत्र पंजाब दा, बैंड बजाऊंगा हाथी घोड़े भी लाऊंगा, राजा बन के आऊंगा मैं रानी तुझे बनाऊंगा, वो रंग दिखलाऊंगा नहीं भूलेगी सारी उम्र, नहीं भूलेगी सारी उम्र। अरे झम्मक छल्लो झम्मक छल्लो। गरीब की कुटिया में हो या महलों में, उसकी नजरें हमेशा झुकी हुई अच्छी लगती है। लेकिन हम वो लड़की नहीं जो झुक जाए, जीत हमारी होगी उस अजय की नहीं। नमस्ते राजा साहब। जीते रहो रुपेश, हमने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि मंगनी होने से पहले रमा और तुम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लो। जी राजा साहब। आओ रमा, आओ आओ बेटे। देखो भवानीपुर की शान किशनगढ़ की जान से मिलने आई है। हेलो। मगर ताऊ जी, मैंने इन्हें पहचाना नहीं। बेटे ये भवानीपुर इंडस्ट्रीज के मालिक केदारनाथ जी के इकलौते चश्मों चिराग रूपेश हैं, इन्हीं से तो तुम्हारी सगाई तय की है। मगर ताऊ जी, मैं तो इन्हें जानती। अपने जंगलात में दोस्तों के साथ शिकार के लिए जा रहा था। शिकार? जी। How exciting! आप शिकार करते हैं? जी हाँ, क्यों? वैसे तो किसी जंगली जानवर का शिकार करने का
हमारा भी बड़ा दिल करता है। ओह रियली? तो चलिए ना हमारे साथ, इसी बहाने आपके शिकार करने के शौक भी पूरे हो जाएंगे और हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान भी लेंगे। क्यों राजा साहब? Why not? रमा जरूर जाएगी। शिकार? आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? लगता है मुझे मिलने की बेताबी में रात भर सोई नहीं। हाँ मैं सारी रात सोई नहीं, तुम्हें याद करती रही और सुबह का सूरज चढ़ते ही तुम्हें ये कहने आई हूँ कि अब तुम उम्र भर रातों को सो नहीं सकोगे। अच्छा? मैं शादी करने वाली हूँ। हमारी शादी इतनी जल्दी? अरे मैंने तो अभी तक अपनी माँ से बात भी नहीं की। गलत फहमी के शिकार हो तुम, मेरी शादी भवानीपुर के राजकुमार रुपेश सिंह से होने वाली है। क्यों, कैसा लगा और तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई मुझसे शादी करने के सपने देखने की? मेरा तन मन उसकी अमानत होगा, वो मेरी इज्जत आबरू का रखवाला होगा, मेरी हर सांस उसकी होगी, हर रात जब तुम मेरे लिए तड़पोगे मैं उसकी मजबूत बाहों में होंगी, मेरी डोली तुम्हारे घर के सामने से गुजरेगी और तुम देखते रह जाओगे। बहुत शौक है ना तुम्हें रांझा बनने का, तो चलो आज मैं तुम्हें कैद से मजनू बना दूं, वो मजनू जिसे लैला कभी हासिल नहीं हुई, जो रेगिस्तान में दर बदर भटकता रहा, जिस पर जमाना पत्थर मारता रहा, वो बेवकूफ लैला अपने मजनू को पत्थरों से बचाती रही, लेकिन मैं एक पत्थर मैं भी मारूंगी। Oh,
यही है ना वो राजकुमार जिसकी मजबूत बाहें जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करेंगी? अरे जिंदगी भर तो दूर, ये तो एक रात भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। तुम जैसी लड़कियां जिन्हें दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं, उनकी इज्जत का रखवाला ऐसा ही होगा। तुम क्या मेरी मोहब्बत को ठुकराओगी? मेरी मोहब्बत तो दूर, तुम तो मेरी नफरत के लायक भी नहीं। रमा, 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 कल रात जो कुछ हुआ, दरअसल मैं होश में नहीं था रमा। अपने दोस्तों की बदसलूकी के लिए मैं माफी चाहता हूँ रमा। बदसलूकी? मेरा तो ख्याल था कि ये तुम्हारे खानदान की कोई महान परंपरा होगी कि दुल्हन को पहले दूल्हे के दोस्तों की रखेल बनना पड़ता है। रमा! चिल्लाओ मत। तुम जैसे कमजोर आदमी अपनी कमजोरी का एहसास दिलाने पर आवाज उठाने के अलावा और कर भी क्या सकते हो? तुम हद से आगे बढ़ रही हो रमा। ये मत भूलो कि तुम मेरी मंगेतर हो। मंगेतर? और तुम्हारी? अगर मेरे ताऊजी को पता चल गया कि भवानीपुर की शान ने किशनगढ़ की जान के साथ क्या सलूक किया है तो खून की नदियां बह जाएंगी। वो भवानीपुर के साथ साथ तुम्हें भी मिट्टी में मिला देंगे। शिकार? हाँ, इंटरेस्टिंग, काफी दिलचस्प। अच्छा, और रुपेश वो कैसा? ताऊ जी, इस शिकार में हमने शेर और गीदड़ का फर्क अच्छी तरह जाना। अच्छा, तो क्या सोचा तुमने? सोचा नहीं, हमने फैसला कर लिया है। वेरी गुड, तो फिर मैं इतनी भी जल्दी क्या है ताऊ जी? वक्त आने पर हम आपको बता देंगे कि आहा, वक्त आने पर। आहा, क्या कसूर है इसका? कसूर? दीवानी हो चुकी है, पागल हो चुकी है, दिन रात अपने आशिक का नाम रटती रहती है। तो क्या हुआ? हम इसे गांव से बेदखल कर देना चाहते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक प्यार करने वाले को बेदखल कर देना चाहते हैं आप लोग? आप इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो अजय भैया? इसलिए कि इसने सिर्फ प्यार किया है, ये भी किसी को अपना दिल दे बैठी है, और प्यार करना पाप नहीं। जिसका संबंध राजघराने से हो, उठना बैठना हो, हाँ, ऐसे घर में हमारी बेटी अगर बहू बनकर जाएगी, हाँ, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। जरूर जरूर। लालाजी, आपका बेटा, हाँ, लाखों में एक है, लाखों में एक। और चाल चलन के तो क्या कहने, आपका बेटा गुणों की तिजोरी है, तिजोरी। तिजोरी तो है ही,
इसलिए तो मैंने उसका नाम रुपया रखा है, रुपया। लेकिन एक समस्या है। समस्या? हाँ, देखो भाई, भगवान ने मुझे हीरे जैसा बेटा दिया है, अब इस दुनिया में मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। वो क्या कहते हैं उसे, वो दहेज, दहेज उससे तो मुझे सख्त नफरत है, घृणा है। मुझे दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे हीरे जैसे बेटे को हीरो से, नहीं तो कम से कम सोने से तो तोली दीजिए। सोने से? हाँ, क्यों? अच्छा सोना नहीं, कम से कम चांदी से तो तोली दीजिए। चांदी से? अरे चांदी भी नहीं, फिर रुपयों से तोल दीजिए। जी, रुपयों से? अरे क्या फटीचर लोग है, माल नहीं घर में और मेरे बेटे से शादी करने निकले। चलो निकलो यहाँ से, पकड़ो अपना रास्ता। ऐसे फकीराना घर में मेरा बेटा क्या जवाई बनकर जाएगा? ऐसे थोड़े ही मैंने उसका नाम रखा है रुपया। क्या सोच रही हो? जो बचपन से आज तक अनाथ हो और आज उसे माँ मिल जाए, डरती हूँ शायद माँ ने मुझे ना पसंद कर दिया तो। मुझे मेरे प्यार पर और मेरी माँ को मेरे विश्वास पर पूरा भरोसा है। पटवारी, ये जगह काफी खूबसूरत है, हमें पसंद है। जिसकी भी हो उसे कह दो ये जमीन हमने खरीद ली। पटवारी, वो गाड़ी जो वहाँ खड़ी है बहुत खूबसूरत है, हमें पसंद है। जिसकी भी हो उसे कह दो हमने खरीद ली। ये गाड़ी हमारी है और ये जमीन मेरी है, जो बिकाऊ नहीं। तुम हमारी ताकत को आजमा रहे हो, हमें छीनना भी आता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किससे क्या छीनता है। इतनी जल्दी डर गई तो उम्र भर निभाओगी कैसे? प्यार तो कर बैठी लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हो सकता है मैं ये प्यार निभा ना सकूं। निभा नहीं सकती तो ये रिश्ता जोड़ क्यों रही हो, खिलवाड़ करने के लिए, वादा करके तोड़ जाने के लिए? तुम्हारे प्यार की गहराई को आजमा रही थी, देखना चाहती थी कि कल अगर हालात के सामने मेरे कदम डगमगाए तो क्या तुम मेरी मोहब्बत को गिरने दोगे, क्या संभालोगे? तो आजमा चुकी। अजय, तुम्हारे प्यार का जुनून अब मेरी मोहब्बत का इम्तिहान बन चुका है। आई लव यू अजय। ज्यादा हमारी हुकूमत का अपमान करके कालिख पोत किया हमारे मुंह पर और आप कहते हैं कि सब करो, क्यों भाई साहब? इसका जवाब तो हम देंगे और अपने ढंग से देंगे। कब देंगे? कब? जब वो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा चुका होगा तब। इस खानदान की इज्जत की धज्जियां तो वो पहले से उड़ा चुका है, रमा को अपने प्यार के जाल में फांस कर। रमेश, अगर ये झूठ निकला तो तेरे जिस्म से खून की जगह बारूद बहेगा। ये गोलियां उसके लिए बचा के रखिए जो आपकी इज्जत से खेल रहा है, मुझ पे जाया करने से कोई फायदा नहीं। रमा इस घराने की इज्जत और मेरी होने वाली मंगेतर इस वक्त उसी हरामजादे के घर में रंग रलिया मना रही है और इस महल की शान और शौकत को अपने पैरों तले रौंद रही है।
माँ देख तुझे मिलने कौन आया है। रमा माँ जी चुक चुक जियो बेटी, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन समझ गया माँ, तुम्हारा डर राजा साहब है और मेरी हिम्मत तुम हो। लेकिन बेटे राजा साहब जीते जी इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे। माँ ये रिश्ते भगवान बनाता है ना माँ। तुम समझते क्यों नहीं, कहीं तुम्हारी जिद और उनका अहंकार खून की नदियां ना बहा दे। माँ मुझे वो भी मंजूर है। ठीक है, जब तुम दोनों ने एक होने का फैसला कर ही लिया है तो मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। जी तो चाहता है आज ही तुझे दुल्हन बनाकर इस घर में ले आओ। मगर भाभी एक मिनट। भैया का ना एक प्रॉब्लम है, उनका कहना है कि जब तक मैं इस घर से दफा ना हो जाऊँ वो शादी नहीं करेंगे। ठीक ही तो कहा है तुम्हारे भैया ने। ओहो भाभी आप भी भैया की बातों में आ गए। किसी की भी हमारी आंख में आंख डालकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। आज तक किसी ने हमारे खानदान की आबरू पर हाथ नहीं डाला। आज तक किसी ने हमारी हुकूमत को ललकारने की जुर्रत नहीं की। आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो कभी नहीं हुआ वो चलो आज हो गया। खामोश और नजरें झुका के बात कर, शायद तू भूल गया कि हम लोग कौन है। आप सिर्फ उस लड़की के ताऊ हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए, वैसे भी लड़की वाले ही रिश्ता लेकर आते हैं। तू रिश्ता जोड़ेगा हमारे खानदान से? तू हमारे दरमियान के इस फासले को मिटाने के ख्वाब देख रहे है? तू प्यार हर फासले को मिटा देता है। कभी नहीं हो सकता, सारी उम्र कोशिश करता रहे तो भी ये फासला दूर नहीं हो सकता। हम तुम दोनों को एक नहीं होने देंगे। देवा मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई खून खराबा हो। रमा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें एक होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं मेरी अमानत आपको सौंप रहा हूं, आप रमा को लेने आए हैं ले जाइए, मैं उससे लेने आऊंगा बारात लेकर। अभागन जिसके श्राप का पहला कहर आज तुम पर टूटा है, जिसके आंसुओं की पहली बूंद तेजाब बनकर आज तुम पर बरसी है,
मेरे कलेजे से निकली हुई हाय तुम सबको बर्बाद करके छोड़ेगी। तेरे तमाचे में वो दम नहीं रहा रणबीर। देख क्या रहे हो, जोर लगा के पेड़ काटाओ। जोर लगाकर तो तुम यहाँ से चले ही जाओगे, मगर उस तूफान का मुकाबला कैसे करोगे जो तुम्हारे महल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? चलो। अरे जाओ जाओ राजा साहब, तुम हार जाओगे, हार जाओगे। हुजूर, 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 हुजूर। लाला क्या हो गया, लाला क्या हो गया, किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? हुजूर जो मैंने देखा वो आपने देखा होता ना तो आपको भी ऐसा ही लगता। क्या बकता है तू, होश में तो है? हुजूर कल रात मैंने एक सपना देखा, ऐसा सपना है भगवान मैं तो क्या इस हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों ने भी नहीं देखा होगा। क्या? हुजूर पूरी हवेली सजी हुई है जैसे जन्नत हुजूर के कदमों में उतर आई है, लाखों मेहमान देश के विदेश के चारों तरफ हुजूर के नाम का जय जयकार हो रहा है। हुजूर, 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 हुजूर। अबे हुजूर हुजूर ही करता रहेगा, ये आगे भी बढ़ेगा। मैंने सपने में देखा कि आप रमा बिटिया की शादी में राजा हरिश्चंद्र की तरह सब कुछ गवा कर कंगाल हो गए हो और हाथ में भीख मंगे का कटोरा लेकर दारोदार भीख मांग रहे हो। अरे क्या बकते हो लाला, रमा की शादी होगी और ऐसी होगी कि हिंदुस्तान के 80 करोड़ क्या दुनिया देखेगी, सपने में नहीं हकीकत में। हुजूर मैंने सपने में देखा कि घोड़े पर सवार दूल्हे ने जब अपना सेहरा हटाया तो वो रुपेश नहीं हरामजादा अजय था। लाला ऐसा सपना देखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हुजूर लगता है जबान फिर से स्लिप हो गई। आइंदा से तेरी ये जबान स्लिप हुई तो मैं तेरी जबान ही कटवा दूंगा। ठीक है चलो लाला। राजा साहब मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों दे रहे हो? हवेली के कुत्ते मुझ पर छोड़िए, अपने जूते से मुझे मारिए, लेकिन इन पहलवानों से क्यों तुड़वा रहे हो? मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की है, मुझे माफ कर दीजिए राजा साहब। अबे चल वापस। खामोश, हम तुम्हें यहाँ पिटवाने नहीं किसी और मकसद से लाए हैं। अंदर जाकर तिवारी से कहो कि हम उससे मिलना चाहते हैं। अभी कहता हूँ, दरवाजा खोल। तिवारी कहाँ है? तिवारी कहाँ है? तिवारी कहाँ है? अबे तिवारी कहाँ है रे? अमाऊ है तिवारी, कहो क्या बात है? नहीं वो राजा बिजराज सिंह आपको मिलने आए हैं। क्या राजा साहब यहाँ आए हैं? हाँ यहाँ आए। नमस्कार राजा साहब, आज आपने इस गुलाम को कैसे याद किया? तिवारी एक जरूरी काम आन पड़ा है इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। किसी हरामजादे ने हमारी इज्जत को ललकारा है और हम चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं राजा साहब हम अच्छी तरह से समझ गया हूं। उसका तो हम वो हल करूंगा कि आज के बाद वो अपने आप को अपनी दो टांगों पर नहीं अस्पताल की चार पाई पर पाएगा। आप नाम बताइए। अजय। शादी का मुहूर्त बहन जी 12 तारीख का निकला है, आप लोगों के पास सिर्फ 10 दिन रह गए तैयारी करने के लिए। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, अगर मुहूर्त कल का भी होता ना तभी हम तैयार होते। आप बस बारात ले आइए। शाबाश बेटे। अच्छा बेटे, अच्छा बहन जी आगे दीजिए। नमस्ते। लेकिन अजय बेटी ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? जेवर दुल्हन का जोड़ा ये सब खरीदना बाकी है,
फिर तुम्हारी लाडली बहन को पसंद भी तो आना चाहिए। माँ तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, ये सब एक ही दिन में हो जाएगा। भैया लेकिन मेरे लिए शादी का जोड़ा कोई और ही पसंद करेगा। कौन? हेलो, हाय अंजलि, मुबारक हो। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे 12 तारीख को खुल रहे हैं। ओह, यानी तुम्हारी शादी की तारीख तय हो चुकी है। और इस ननन का ये अरमान है कि सुहाग का जोड़ा मेरी होने वाली भाभी पसंद करेगी। दैट्स ग्रेट, कह दो अपने भैया से कि हम आ रहे हैं, देखना हम तुम्हारे लिए कैसा दुल्हन का जोड़ा पसंद करते हैं। ओके बाय। कहाँ जा रही हो? हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं। रमा! 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 ए, हट! भाई साहब आप जानते हैं कि ये कहाँ जा रही है और फिर भी आप चुप हैं? जाने दो इसे, जरा ये भी देखे कि इसके सपनों का महल इसकी आंखों के सामने कैसे टूट कर बिखरता है। ये देखो। नहीं ना? नहीं। अच्छा नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। ये कैसा है? नहीं? ये तो जाती है। अंजलि की शादी के लिए तुमने सब कुछ अपनी पसंद का खरीद लिया। भाई को भी कुछ अपनी पसंद का खरीदने दो। वो शौक तुम अपनी शादी में पूरा कर लेना। ओके। अजय, 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 बोलो। आज तक कोई बच के नहीं किया पछुआ। हरामजादे, तू है वो जिसने राजा साहब से टकराने की गलती की। हाँ, तेरी ये जरूरत की उनकी आबरू को ललकारे जिनकी तरफ नजर उठाकर देखने तक की तेरी औकात नहीं है। हाँ, आज तुझे राजा साहब की ताकत का एहसास हम कराऊंगा।
ये सिंदूर तू अपनी बहन की मांग सजाने के लिए लाया था, इसे तो अब हम तेरी अर्थी पर गिराऊंगा। और इस सुहाग का जोड़ा तेरी बहन का है ना, इका हम बीच बाजार उसके जिस्म से नोच नोच कर उसके गोरे गोरे बदन का चिथड़े उड़ाऊंगा, चिथड़े। जानते हो इन्हें क्यों पूजा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी सारी शक्ति सीता मैया की इज्जत की रक्षा में लगा दी, और तुम नारी जाति का अपमान करके अपने आप को बजरंग बली का भक्त कहते हो? तुम पहलवान नहीं, राजा साहब के पालतू कुत्ते हो। देख लिया राजा साहब, गरीब की एक आह हजार लाठियां बनकर कैसे बरसती है। जो आज इनकी हालत हुई है, जिस तरह इनकी हड्डियां टूटी हैं, कल इसी तरह तेरा गरूर भी टूटेगा रणबीर। उनका प्यार सैलाब बनकर तुम्हारी हवेली से टकरा रहा है, तुम्हारी बुनियादें हिल रही हैं। आज बुनियादें हिली हैं तो कल दीवारें भी गिरेंगी। तुम लोग इस सैलाब को अपनी मुट्ठी में नहीं बंद कर सकते, उनके प्यार के दीवानेपन को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। दीवाना हुआ मैं दीवाना, मेरी जा तेरे इश्क में है ठोकर जहाँ को लगाना, मेरी
मेरी जा तेरे इश्क में। दीवाना हुआ मैं दीवाना, मेरी जा तेरे इश्क में। है ठोकर जहाँ को लगाना, मेरी जा तेरे इश्क में। मैं पागल हुई, दीवानी हुई, तेरी दिल रुबा तेरी रानी हुई, मेरा बस मेरा है अजय। दीवाना हुआ मैं दीवाना, मेरी जा तेरे इश्क में। है ठोकर जहाँ को लगाना, मेरी जा तेरे इश्क में। झुकाना मेरी जा तेरे इश्क में। बहुत कुछ है करके दिखाना, मेरी जा तेरे इश्क में। मैं पागल हुई, दीवानी हुई, तेरी दिल रुबा तेरी रानी हुई, मेरा बस मेरा है अजय। दीवाना हुआ मैं दीवाना, मेरी जा तेरे इश्क में। है ठोकर जहाँ को लगाना, मेरी जा तेरे इश्क में। लड़की के मामा अपनी भांजी की शादी की खुशी में लड़के को मंगनी की तौर पर 11,11,111 रुपए और 11 पैसे देंगे। फिर मेरा रुपया तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारी लक्ष्मी मेरी हो जाएगी। बस लड़की की माँ को बुलाओ और 111 रुपया देकर लड़के का मुंह मीठा करो। सोनू, सोनू, राजवंती, सोनचंदी, सोनचंदी, तुम यहाँ? हाँ, मैं अपने
बेटे की शादी लक्ष्मी से तय कर रहा हूँ। हाय राम, क्या हुआ? हाँ? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। अब तो सब कुछ तय हो गया, तो मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती? ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन बापू क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये तुम्हारी बहन है। मतलब बापू। नमस्ते राजा साहब। क्यों आई हो यहाँ? अपनी बेटी की शादी का न्योता देने आई हूँ। न्योता देने आई हो यहाँ? हमसे रिश्ता जोड़ने, अपनी कुटिया से इस महल तक का सफर तय करने का कितना आसान रास्ता ढूंढा है तुमने, हाँ? अपनी औकात ही भूल गई? गरीब के पास औकात नहीं, सिर्फ जज्बात होते हैं। इन्हीं जज्बातों के ढोंग में तुम लोगों ने हमारी नादान भतीजी को फांसने की अच्छी चाल चली है। हमें अंदाजा नहीं था कि गरीब लोग इतने चालाक होते हैं। ये न्योता नहीं, तुम्हारी साजिश है, और हमारे पास इसका जवाब ये है। इस महल के पत्थरों ने अभी न्योतों की इज्जत करनी नहीं सीखी। आपको ऐसे लोगों के पास न्योता देने आना ही नहीं चाहिए, जिन्हें अपने समधन से बात करने की तमीज न हो। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ माँ जी। नहीं नहीं बेटी नहीं, दरअसल ये अपनी हार का गुस्सा इस कागज पर उतार कर अपनी बहादुरी का सबूत देना चाहते हैं। मगर अफसोस, इस कागज के तो टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत के नहीं। थैंक यू राजा साहब। अगर ये थप्पड़ एक रहम दिल बाप की तरफ से अपनी गुमराह बेटी को सबक होता तो मैं खुशी से कबूल कर लेती, लेकिन ये तमाचा अपनी ताकत में अंधे एक मगरूर तानाशाह का मेरी मोहब्बत को चुनौती है, और मुझे ये चुनौती मंजूर है। माँ जी, आप घर जाइए और अंजलि से कहिएगा कि उसकी होने वाली भाभी ना सिर्फ आएगी बल्कि नाचेगी गाएगी, और अगर कोई रोक सके तो रोक ले। चंचल चूड़ियां खनका के मेहंदी हाथों में रचा के, चंचल चूड़ियां खनका के मेहंदी हाथों में रचा के, झूमर माथे पे
मुझी पर दे हर लड़की बहना, किसी को हमेशा यहाँ रहना नहीं, धरती के जैसे हर दर्द सहना, किसी से कभी कुछ कहना नहीं। तो बहुत अच्छी आ रही है, बस बारात आने वाली होगी, बाकी तैयारियां हो गई? हाँ साहब, हो गई है। हलवे की खुशबू अच्छी आ रही है। अजय भैया, बारात आ गई। बारात आई। जीते रहो बेटे। ओम गजानन भूतगुणादि देवतर्षकचंबो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकार कम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्व सिद्धि करण सेवा गौरी पुत्र विनायक। ओम सर्व मंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी की जुदाई तकदीर में, बेटी को तो कोई ना रोक पाए, चाहे इसे बांधे जंजीर में, आए रब्बा आए क्यों विदाई की घड़ी, वो रोके से रुके ना हंसुवन की लड़ी, ममता को भुला के भैया भाभी को रुला के, सखियों से दामन छुड़ा के आंखों से आंसू छलका के, मैके की गली छोड़ के तू
तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। छोटे राजा, ये आप सब कहाँ जा रहे हैं? आग लगा दूंगा मैं, उस कंबख्त का नाम और निशान मिटा दूंगा। भाई लेकिन ये सब आपको करने की जरूरत नहीं, आपकी भतीजी ने पहले ही सब कर दिया है, उस अजय के गले में फांसी का फंदा डालकर। क्या मतलब? अंदर को जा रहे हैं? ये क्या हो क्या रहा है? ओए बुड्ढे, तुझे दिखता नहीं है क्या? तेरे इस घर की तलाशी ली जा रही है। तलाशी? लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब? ओ इसलिए कि हमें खबर मिली है कि तेरे बेटे के ससुराल से जो सामान आया ना, उसमें चोरी का माल है। चोरी? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे संदीद बहुत शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। ओए शराफत तो गई तेल लेने, रही बात इज्जत की तो इज्जत उतारने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जरा ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, सारी बिरादरी के सामने हम लोगों की नाक कट जाएगी। तो है, अब वो सब लोग यहाँ आए हुए हैं। अविनाश और बहू उसके भाई के साथ मंदिर गए हैं, उन्हें आ जाने दीजिए, बस वो आते ही होंगे। ओए तू हमारे काम में रुकावट तो नहीं डाल रहा है क्यों? सरकारी काम में रुकावट डालने के जुर्म में सलाखों के पीछे अटका दूंगा मैं तुझको भी और तेरी लुगाई को भी, समझा? बाबूजी, पुलिस यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? बेटे, पुलिस वालों का कहना है कि बहू के घर से जो सामान आया उसमें चोरी का माल शामिल है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ गलत फहमी हुई है, आप ये तलाश रोक दीजिए। ओए, तू कौन है? अजय। ओ अजय, कितना मासूम लग रहा है, डड्डू बनके लड्डू खा रहा है। इस इलाके में ऐसा कोई चोर नहीं जो टिप्पण सिंह के डंडे तले ना आया हो। साले तू कैसे बच गया रे? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत खबर मिली है, आप तलाशी रोक दीजिए, यहाँ कोई चोरी का माल नहीं है, ये मेरी बहन का ससुराल है, हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, मैं आपके साथ थाने चलता हूँ। ओए, तू नौटंकी बंद कर, जाकर उधर खड़ा हो जा, चल उधर। रहने दे बेटे, बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप तलाशी दीजिए। अरे वही तो कर रहा हूँ, ये काम करने दे तब ना, चल उधर। ओए कुछ मिलेगा कि नहीं? साहब अंदर पड़े सामान में कुछ नहीं मिला। ले ली तलाशी, हो गई तसल्ली। बापूजी, हम लोग कोई चोर नहीं है बाबूजी। कोई भी भाई कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, अपनी बहन के दामन पर बदनामी का धब्बा नहीं लगाएगा बाबूजी। हाँ बेटे। और अब इससे पहले कि हम आप पर मानहानि का दावा करें, चली जाइए यहाँ से। ये गहने तुझे किसने दिए? मेरे भैया ने। तो फिर ये हार भी तुझे तेरे भाई ने ही दिया होगा? जी नहीं, ये हार तो मुझे रमा दीदी ने तोहफे में दिया है। रमा दीदी ने तोहफे में दिया है? कमाल कर दिया छोकरी, ये 5 लाख का हार रमा दीदी ने तुझे तोहफे में दिया है। देखा तुम लोगों ने, फट गए तुम्हारे दित्ते।
अरे होश की दवा करो, सोचो ये हार जो राजा ब्रजराज सिंह ने अपनी भतीजी को दिया था, वो हार इस टाइगर की बहन को क्या राजा साहब की भतीजी अच्छा ही दे देगी? ओए देख ली शरीफों की शराफत, ये हार दरअसल चोरी का है, है कि नहीं? ये सब झूठ है। ये सब झूठ नहीं, सच है। मेरा यकीन कीजिए बाबूजी, ये हार मुझे रमा दीदी ने ही दिया है। अच्छा, ये हार तुझे तेरी रमा दीदी ने दिया है, देखे भूल गई होगी। तभी तो तेरी रमा दीदी थाने में जाकर चोरी की रिपोर्ट लिखवा कर आई है, और रिपोर्ट में चोर का नाम भी लिखवाया है, तो पढ़ लो। अच्छा, ये झूठ है, मेरे भाई ने कोई चोरी नहीं की, उसे तो इस हार का पता तक नहीं। हम पर विश्वास कीजिए बाबूजी, मेरा भाई। ओए बहन के टके, अपनी बहन को गहनों से लादने का इतना ही शौक था तो चोरी करने की क्या जरूरत थी? उसे किसी कोठे पर बिठा देता। गिरफ्तार कर लो इसे। भैया नहीं, नहीं भैया, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ भैया। इज्जतदार पुलिस अफसर पर हाथ उठाने का अंजाम जानता है तू? मैं तेरे भविष्य का नक्शा बदल दूंगा। चल। ओए ऑटो है। और बिठा अंदर इस चोर को। अविनाश के पापू, इस मनुष्य को मैं अपने घर में कतई नहीं रहने दूंगी। ये झूठ है, आप अजय पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने अंजलि को वो हार खुद पहनाया था चाचू, अजय बेकसूर है। मैं चुप नहीं रहूंगी चाचू, मैं चिल्ला चिल्ला कर अब तक की साजिश का पर्दाफाश कर दूंगी। कहां जा रही हो तुम? अदालत में तुम्हारा बयान इस बेचारी बुढ़िया की जान ले सकता है, और अगर तुम हमारी बात मान लो तो बुढ़िया की जान बच सकती है। आप दरिंदे हैं, इंसान नहीं, राक्षस हैं। ठीक कहती हो तुम। तुमने हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठाकर जिस तरह हमारी इज्जत पर कीचड़ उछाला है, हमारा अपमान किया है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक तुमने हमारा प्यार देखा है रमा, आज के बाद हमारा कहर देखोगी तुम। इतना जुल्म मत कीजिए, अजी को माफ कर दीजिए, माजी को छोड़ दीजिए, माजी को छोड़ दीजिए, माजी छोड़ देंगे, उसे छोड़ देंगे, लेकिन तब जब तुम अजय के खिलाफ अदालत में बयान दो तो। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है जज साहब, मैंने चोरी नहीं की। ये हार रमा ने मेरी बहन को शादी में तोहफे के तौर पर दिया था, ये भी मेरे दुश्मनों की कोई नई साजिश है। जरूर उन्होंने रमा के जाली सिग्नेचर किए हैं। आप रमा को बुलाइए, वो इनके झूठ को एक पल में बेनकाब कर देगी। मनोरमा देवी को बुलाया जाए। मनोरमा देवी हाजिर हो, मनोरमा देवी हाजिर हो। मनोरमा देवी, क्या यह हार आपका है? मुल्जिम का कहना है कि यह हार आपने मुल्जिम की बहन को शादी में तोहफे के तौर पर दिया था, क्या यह सच है? बोलिए मनोरमा देवी, जवाब दीजिए। आप खामोश क्यों हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देती? मनोरमा देवी, अदालत आपसे जानना चाहती है, बताइए आपने इस हार की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, क्या यही वो रिपोर्ट है और यह दस्तखत आपके हैं? जवाब दीजिए, अदालत को सच क्या है बताइए, आप बोलती क्यों नहीं? आप क्या सोच रही हैं मनोरमा देवी, जवाब दीजिए, क्या यह दस्तखत आप ही के हैं? जी हाँ,
ये मेरे ही दस्तखत है। रमा तुम होश में तो हो? जिंदगी में पहली बार तो होश आया है, पहली बार प्यार का असली चेहरा देखा और उसके मीठे मीठे शब्दों के पीछे छुपे हुए खतरनाक इरादे भी नजर आए। प्यार इतना बड़ा धोखा हो सकता है, ये मुझे पहली बार एहसास हुआ। रमा तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? जज साहब इसमें दबाव डाला जा रहा है। जब मैंने तुमसे प्यार करते वक्त किसी के दबाव की परवाह नहीं की तो आज अदालत में बयान देते वक्त किसी के दबाव की परवाह क्यों करूंगी? मेरा प्यार मेरी मर्जी था, मेरा बयान भी मेरी मर्जी ही है। अजय मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरी दौलत प्यारी है। भूल गई थी मैं कि जब तुम जैसा कोई गरीब मुझ जैसी अमीर लड़की से प्यार करता है तो वो सिर्फ एक नाटक होता है, अपनी बहन की शादी का दहेज बटोरने के लिए। धोखेबाज! अपनी दांत दिखा दी ना तूने? ऑर्डर ऑर्डर, गिरफ्तार करो इसे। अमीरी गरीबी की बात करती है? अरे खिलवाड़ किया तूने हमारी जिंदगी से, अब उसके लिए यू चीट। जी, आपने जो कहा मैंने किया, मैंने अपने आप को अजय की नजरों में गिरा दिया। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अपने प्यार का गला घोट दिया मैंने, अपना सब कुछ लुटा दिया। अब तो माँ जी को छोड़ दीजिए। रणबीर, बुढ़िया को आजाद कर दो। ऐसा नसीब भगवान किसी को न दे। अभी अभी तो बेटी की डोली उठी थी और आज इसने खुदकुशी कर ली। न जाने कौन सा पहाड़ टूटा था बेचारी। अरे पहाड़ टूटा तो झेल लेती, यहाँ तो आसमान टूट पड़ा है बेचारी पर। बेटा चोर निकला, ये बेटी ससुराल में बदनाम। छी छी छी, अरे कौन गैरतमंद माँ इतना बर्दाश्त कर सकती है? अरे जिसे पाला पोसा बड़ा किया वही मुँह काला करके चला गया। अरे 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 अरे, बेचारी भगवान के पास भी मुंह छुपा छुपा कर गई होगी। कमाल है, कैसे हराम के पिल्ले को जना था। वो कहते हैं ना, चोर की अम्मा काले कोठरी में मुंह छुपाए। ऐसी नलायक औलाद को पैदा करने के बाद मुंह क्या छुपाती बेचारी। खुदकुशी तो करनी थी ना, और कोई चारा नहीं था उसके पास। वो जैसी भी थी हमारे इलाके की थी। इसकी औलाद ने इसे जीने नहीं दिया, इस बात का हमें अफसोस है, लेकिन इसकी मृत्यु का सम्मान करना हमारा फर्ज है। इसके अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। लाला जी, देखना इंतजाम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? बिल्कुल। रोको।
बेवकूफ औरत, बड़ी चली थी हमें शराब देने, लेकिन ये भूल गई कि सती कभी शराब देती नहीं। तूने ही कहा था ना कि उन दोनों की प्यार की धारा को हम रोक नहीं सकते। हमने रोका ही नहीं, बल्कि वो जहर मिला दिया है कि अब एक की आंखों से खून के आंसू टपकेंगे तो दूसरे की आंखों से नफरत का तेजाब। इस कागज पर साइन करो ए, और देखता क्या है, कोई तेरी जायदाद नहीं लिखवा रहा मैं अपने नाम पर। यह तेरी मां के अंतिम संस्कार करने के सरकारी कागज हैं, जिन पर तेरा साइन होना चाहिए। और तेरा क्या भरोसा, कल तू उठ खड़ा हुए और कहने लगे कि तेरी बुढ़िया ने सुसाइड नहीं किया, उसका किसी ने मर्डर किया था, और पुलिस पे तहकीकात ना करने का झूठा इल्जाम लगा दे। तेरी बहन बहुत समझदार है, उसने सहन कर दिया है, तू भी कर दे, चल कर दे कर दे। और तेरी जगह कोई और मुजरिम होता तो मैं उसे उसकी मां के अंतिम संस्कार के लिए जाने देता, मगर तुझे मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तूने टिप्पण सिंह पर हाथ उठाया था, मैं तुझे कभी भूलने नहीं दूंगा। चला गोली। नहीं नहीं, हर झूठ की कीमत चुकाई है मैंने,
तेरे इसी झूठ ने मेरी मां को मार डाला, मेरी बहन को उसके ससुराल से बेदखल कर दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी तेरे इसी झूठ ने। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ भैया, नहीं छोड़ूंगा तुझे, हट जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम इसे मारना चाहते हो तो बेशक मारो, लेकिन इसकी मौत की कीमत तुम्हें अपनी बहन की जान से चुकानी पड़ेगी। अंजलि हमारी माँ की कातिल है, इसकी झूठी गवाही ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। यही तो मैं समझना चाहती हूँ, किसने अदालत में झूठी गवाही क्यों दी। उठो, इसके आंसुओं में जरूर कोई सच छुपा है भैया, जिसे ये बता नहीं पा रही है। इसके आंसू भी एक फरेब हैं, जैसे इसका प्यार एक फरेब था। एक औरत के आंसुओं की कीमत तो एक औरत ही समझ सकती है भैया। अभी तो इंतकाम ने तुम्हें अंधा कर दिया है, लेकिन जिस दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी उस दिन तुम्हें अपनी नाइंसाफी का एहसास होगा। चलो भाभी, चलो चलो। कहाँ ले जा रही हो इसे? उसी घर में जहाँ माँ ने कभी इसे बहु स्वीकार किया था। जानता हूँ, वो हरामजादा हमारी रामा को उठाकर ले गया है। ये सब जानते हुए भी आप चुप हैं? कल को जब ये बात दुनिया को पता चलेगी तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे हम। रणवीर, वो घड़ी हम कभी नहीं आने देंगे। वो घड़ी आ चुकी है, घड़ी आ चुकी, वो घड़ी आ चुकी है, वो घड़ी आ चुकी, वो घड़ी आ चुकी, वो घड़ी आ चुकी है ब्रिजराज। तूने कहा था ना सती श्राप देती नहीं, तो सुन, कोई भी औरत अपनी मर्जी से सती नहीं होती, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने वाले तुम जैसे सलील ना मर्द होते हैं। रही बात मेरे श्राप की, वो बहुत जल्दी तेरी आंखों के सामने पूरा होने जा रहा है। रणवीर, बहुत गरूर है ना तुझे अपनी ताकत पर, लगा ले जितना जोर लगाना है, मगर एक बात याद रखना, एक मजलूम औरत के दिए हुए श्राप के प्रकोप से तू नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। कर दो इस झोपड़े को। इज्जत को तुम नहीं ले जा सकते। तू रोकेगा हमें? हाँ मैं। जानता है हमें रोकने का अंजाम क्या होता है? हाँ माफ, मंजूर है मुझे, लेकिन मेरे जीते जी तुम इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। दादे, राजा साहब का रास्ता रोकता है तू? नहीं, 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 छोटे सरकार, छोटे सरकार उन्हें रोकिए, छोटे सरकार उन्हें रोकिए। हट, रास्ता रोकता है हमारा,
कुत्ते का पिल्ला साला। नहीं, 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 बड़े सरकार, मैंने आपका जिंदगी भर नमक खाया है, मेरा बेटा नादान है, उन्हें उन्हें रोकिए सरकार, उन्हें रोकिए। नहीं लाला, हमारे खून से जब बगावत की बू आने लगे हम उसे कभी माफ नहीं करते। नहीं नहीं, और तुम्हारे खून ने भी यही किया। इस हरामजादे को इतना मारो, इतना मारो ताकि इसकी आखिरी चीख शहर के हर किवाड़ पर गूंजे, ताकि आज के बाद हमसे बगावत करने की कोई जरूरत ना कर सके। नहीं 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 राजा साहब, नहीं 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 राजा साहब, नहीं बाबू, नहीं नहीं, मत छुओ मुझे, मत छुओ। नहीं बेटे, नहीं। आपको तो खुशी हो गई होगी, मैंने आपके पाप अपना खून बहाकर धो दिए। नहीं बेटे, नहीं नहीं, इस कर्ज को लेकर तेरा बाप जी नहीं सकेगा बेटे। पहले ही मेरी जिंदगी में बहुत पापों का बोझ है, अब ये बोझ मुझसे सहा नहीं जाएगा बेटे, सहा नहीं जाएगा। बाबू। हाँ बेटे। आप सचमुच प्रायश्चित करना चाहते हो? हाँ बेटे। तू जाओ, जाओ जाके अजय को सच्चाई बताओ, उसे कहो रमा रमा बेकसूर है, राजा साहब के आदमी उसे उठा कर ले गए। बताओगे ना बापू? बापू। हाँ हाँ बेटे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी है, मैं उन पापियों को कभी नहीं छोड़ूंगा बेटे, कभी नहीं छोड़ूंगा, दुनिया को बता दूंगा कि उनके आदमी अब क्या है। बेटे मुझे माफ कर दे बेटे। अब वो रमाब को भी उठा कर ले गए। अच्छा हुआ वो उसे उठा कर ले गए, वो मेरी माँ की कातिल है। नहीं, वो तुम्हारी माँ की कातिल नहीं है, उसने तो लक्ष्मी बहन को बचाने के लिए अदालत में भी झूठ कहा, और सच तो ये है अजय कि तुम्हारी माँ ने खुदकुशी की ही नहीं, उसका कत्ल हुआ था। आजाद किया तुम्हें। जो आवाज हमारे खिलाफ उठती है वो इसी तरह घुट घुट के दम तोड़ती है। पुकार अपने बेटे को, पुकार पुकार। रमा कातिल नहीं है अजय, उसे बचा लो अजय, अजय उसे बचा लो। वो आएगा, आज वो अपनी मौत के मुंह में खुद चलकर आएगा। नहीं चाचू। जनाब जी, राजा साहब, तुम लोग यहीं ठहरो। वो राजा साहब आपका वो लाला तो बिल्कुल ही चमक राम निकला, उसने जाके अजय को बता दिया कि उसकी माँ का मर्डर हुआ था, उसकी माँ ने सुसाइड नहीं करी थी। इस खबर को सुनने के बाद अजय एक गाय शेर बन चुका है, अब वो सीधे आपको। डिपल सिंह, इस महल के चारों तरफ इतना बारूद बिछा है कि वो यहाँ से बचकर जा नहीं पाएगा। नहीं दाऊ जी, मैं अजय को समझा दूंगी, उसे रोक लूंगी और समझा लूंगी। अजय को उसकी मौत रोकेगी, समझे? नहीं, ले जाओ इसे। अजय को मत मारिए, अजय को मत मारिए, छोड़ो चाचू, छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ो मुझे। इस महल की तनी हुई बंदूक की हर गोली पर एक ही नाम लिखा है, अजय, अजय।
अजय। ले जाइए। हाँ अजय। अजय तुम जाओ। अजय
चलो चम्मच चलो जरा धीरे चलो जरा धीरे चलो चम्मच चलो चम्मच चलो जरा धीरे चलो जरा धीरे चलो लचक जाएगी पतली कमर लचक जाएगी पतली कमर अरे चम्मच छल्लो चम्मच छल्लो मैं पुत्र पंजाब दा पंजाब का सुनो महलों वाली आज उतारूंगा तेरे कालों